नेशनल हाईवे ते देर रात एक वड्डा सड़क हादसा हो गया। मिली जानकारी दे अनुसार आमो सामने दो ट्रकां दे विचकार भयानक टक्कर हो गई। टक्कर होण तों बाद एक ट्रक दे विच लग्या सीएनजी सिलंडर ब्लास्ट हो गया, जिस दे चलदे दोवें ट्रकां दे विच भयानक अग लगी। अग लगण तों बाद दोवें ट्रकां दे चालक जिंदा सड़ गए, जिसके बाद हादसे की सूचना पुलिस अते फायर ब्रिगेड नूं दिती गई। हादसे तो बाद रोड ते भी लम्मा जाम लग गया। फायर ब्रिगेड दीआं चार गड्डियां मौके ते पहुंचियां ते अग ते काबू पाया गया। दसना बंद है कि एक ट्रक चालक का नाम सादिक सी, जिसकी उम्र महज 22 साल दी सी ते ओह सहारनपुर यूपी का वासी सी, जो यूपी तो अपने ट्रक दे विच चैरी लोड करके श्रीनगर जा रहा सी। ते दूजा ट्रक चालक का नाम रमजान सी, जो यमुनानगर तो पंचकूला दे वल नूं जा रहा सी। दोवां दे ट्रकां दी गोलपुरा पिंड दे नज़दीक भयानक टक्कर हो गई। दसना बंद है कि रायपुर राणी दे नज़दीक नैशनल हाईवे पिछले 3 सालां तों वन वे है, जिसके कारण इस हाईवे ते कई हादसे हो चुके ने ते यह हाईवे काफ़ी समय तो बंद है, जिस कारण हर रोज़ इस सड़क ते हादसे होना आम गल है। इन्हां हादसों का कारण NHAI ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਥੁਨ ਸਿੰਘ, ਗਊਮੋਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਹਮਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਥੀ। ਜਬ ਵੀ ਹਮ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੋ ਦੇਖਿਆ ਦੋ ਟਰੱਕ ਆਪਸ ਮੇਂ ਭਿੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਜਲ ਗਏ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਜਲ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਗਭਗ 2 ਸੇ 2.5 ਸਾਲ ਸੇ ਹਾਈਵੇ ਵਨ ਵੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤਰਫ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਯਹਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ और बहुत लोग यहाँ पे जान गंवा चुके हैं। तो इसके बारे में पहले भी अवगत करवाया गया है जिला प्रशासन को? जी, कई बार अखबार में भी आई है, कई बार न्यूज़ चैनल पर भी चलती है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिस कारण यहाँ हर रोज़ आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है और यहाँ बहुत लोग जान गंवा चुके हैं। तो जो रात हादसा हुआ है उसमें क्या कुछ नुकसान हुआ है? इसमें दोनों ट्रक ड्राइवर समेत जिंदा जल गए हैं और यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हाईवे के दोनों तरफ बहुत लंबी लंबी कतारें लग चुकी थी। पुलिस प्रशासन ने आके मौके पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया इस चीज़ पर। और जो आपके सामने हैं, जो भी है, नाम लालचंद है। मेरी ड्यूटी अलीपुर स्टेशन पे है। 12:02 पे हमारे को 112 नंबर से सूचना मिली कि गोलपुरा गांव के पास आपस में ट्रक भिड़ गए हैं, सहायता के लिए पहुँचे। तुरंत ही हम गाड़ी ले कर निकले तो आग को देखते हुए नज़र आया कि आग ज़्यादा है, तो हमने पंचकूला को सूचना दी। वहाँ से दो गाड़ियाँ आई और मौके पर आकर आग को काबू किया, जिसमें बाद में देखा गया कि दोनों गाड़ियों के दोनों ड्राइवर जल चुके थे।